अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गोल्डन आवर विद एचक्यू। मगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा मच वेटेड एपिसोड, और इसका हम इंतज़ार काफ़ी अरसे से कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे आज के मेहमान हैं उनकी मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा ये डिले हो गया। प्यार ये हमारे से बहुत करते हैं और जनरल पब्लिक से भी प्यार बहुत बांटते हैं। और मैं अगर बात करूँ तो मैं ये अगर कहूँगा तो गलत नहीं होगा कि इस दफ़ा जो प्रेजिडेंट हैं हमारे, लेट अस इंट्रोड्यूस यू मिस्टर काशिफ अनवर सर, थैंक यू फॉर आवर शो, और आपने हमें टाइम दिया। ये एक अवामी लीडर हैं। आज इनसे मोर और लेस हम चैम्बर की बात करेंगे, इकनॉमिक सिचुएशन की भी बात करेंगे, और चैम्बर किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है, क्या मामला चल रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा काशिफ भाई, जैसे हमने आपकी लाइफ को स्टडी किया, अभी हमारे गोल्डन आर के ऊपर आपका एक पहले भी इंटरव्यू हुआ था बिफोर यू गॉट द प्रेजिडेंसी, माशाल्लाह आप तो आपने एक पीक अपनी रीच की अलहमदिल्ला बीइंग द प्रेजिडेंट ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, और आपकी एक लेगेसी रही वाले साहब की तरफ से, और फिर आपने उसको टेकअप करके बीन इन वेरियस स्टैंडिंग कमेटीज, और वन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर मैं भी पार्ट रहा हूँ, टैक्सेशन एंड फाइनेंस, जो कि आपकी एक लेगेसी रही है। ओवर द ईयर्स आपने उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट किया, और यू वर ऑल्सो द वाइस प्रेजिडेंट, और अब आप प्रेजिडेंसी के लेवल पर आए हैं। तो हम तो खैर आपकी सारी जर्नी देखते रहे हैं और एविडेंस भी किया है, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में अगर लोगों को थोड़ा सा बताएं। पहले जी थैंक यू वेरी मच, आप आए और खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक जर्नी की बात है, जर्नी बहुत मुश्किल था, और मेरा ख्याल है कि किसी भी जगह पे और पीक पे जब आपने पहुँचना होता जी है जी तो जर्नी मुश्किल ही होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके हबीब की बहुत करम नवाजी करम रही से साथ, और आसानियाँ होती रहीं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रेसिडेंट हूँ। शुक्र अलहमदुल्ला शुक्र अलहमदुल्ला। नहीं सर, आप तो प्रेजिडेंट हैं भी, और लोगों ने ये भी देखा कि आप जो आपका योर ऑफिस इज ऑलवेज ओपन टू द पीपल एंड यू बीन वर्किंग अलॉट, और आप बड़ा टाइम भी दे रहे हैं लोगों को, सारा कुछ भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल मैं ये भी करना चाहूँगा कि बीइंग द प्रेसिडेंट इज समथिंग, और यू नो प्रेसिडेंसी को लेके चलना और लोगों को टाइम देना, लोगों के मसाइल को सुनना, क्योंकि लाहौर चैम्बर एक बहुत बड़ा फॉरम है और डेफिनेटली इसके साथ बाकी एसोसिएशन भी रिलेटेड है, तो थोड़ा सा ये भी बताइएगा हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जो से कि किस तरह आप टाइम मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि मैं आपको देख रहा होता हूँ कि आप कमेटीज़ के अंदर भी कोशिश करते हैं जितना शरीक हो सकें और जो लोगों के मसाइल हैं उनको भी सुन सकें, और इस वक्त जो हमारी करंट इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें बड़ा चैलेंज है एट योर सीट के लोगों को एड्रेस करना, और लोग परेशान भी हैं उन चीज़ों से, तो इसको कैसे सर लेके चल सकते हैं। मैं दो बातों से शुरू करूंगा कि एक तो हम लोगों का अल्लाह पे तवक्कल उस तरह से पूरा नहीं होता, सही और बात दूसरी बात ये कि हमारे कारोबार और ज़िंदगी में से बरकत निकल गई है। सही अब कंटिन्यू इस तरह से करूंगा कि आपने कहा कि मेरे दरवाज़े खुले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दरवाज़े मेरी तमाम मेंबर्स के लिए खुले हैं। दरवाज़ा खुलने से मुराद ये है कि दे डोंट हैव टू टेक एनी टाइम एनी अपॉइंटमेंट फॉर मी। अगर आप जी आए हैं चैम्बर, आपको कोई आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, जस्ट वॉक इन, लेकिन अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली फिर ऑब्वियसली आपको वो जी टाइम लेना ऑब्वियसली जी पड़ेगा, जी बट यू कैन सी मी एनी टाइम। ये बिल्कुल सही दरवाज़ा खुलने का मतलब ये है। और दूसरी बात कि मैं इतनी मीटिंग्स कैसे अटेंड कर लेता हूँ, तो अल्लाह ने मेरे वक्त में बरकत डाल दी है, सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह वो उस बरकत की वजह से मैं और उसकी तौफीक से, और मेरा शौक है, पैशन है, सही कि जिस तरह आपको पता है मेरा पैशन है टैक्स पे बात करना, बिल्कुल मैं ऐसे अगले के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने को पैशन समझता हूँ अल्लाह की तौफीक से। शुक्र अलहमदुलिल्ला तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एक मेंबर यहाँ मेरे पास आया है किसी भी काम के लिए आया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो मेरे लाहौर चैम्बर से, क्योंकि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मेरा लाहौर चैम्बर बिल्कुल है, ऐसे बिल्कुल ऐसे, मेरे लाहौर चैम्बर से वो खाली ना जाए, ये वो बहुत जिस खूबसूरत इश्यू से अल्फाज आया है वो मैं अपना इशू समझता हूँ रिजॉल्व ये जो करके आपने जाए। यहाँ पे सर कोट किए हैं कि मेरा लाहौर चैम्बर मेरे मेंबर, तो ये जो विजन है और ये जो प्यार है आपका लोगों के साथ, और वही आपको यूनिक करता है, और लोग आपसे प्यार बांटते भी हैं और आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं, तो अगेन ये मैं समझता हूँ कि क्या ये लाइबिलिटी बाजा ज़्यादा तो नहीं हो जाती, कि जाहिर है लोग जितना प्यार बांटते हैं, जितनी तवक्को रखते हैं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी जो अपनी लाइफ है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एज अ प्रेजिडेंट, तो कुछ लेजर टाइम अपना चीज़ें मिस करते हैं सर। देखें अल्टीमेटली ऐसा नहीं है, मेरा मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने आने के बाद अपने से ज़्यादा अपने स्टाफ के टाइम को मैनेज किया, सही
मैंने ये कहा कि स्टाफ का टाइम 5:30 बजे ख़त्म हो जाता है, तो स्टाफ बिल्कुल शुड गो एट 5:30, ओके सो ओके माई चैम्बर क्लोज एट 6 o'clock, हमारे ओके मेन डोर्स 6 बजे बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरी सोशल लाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सही मैं सुबह भी अपने बिजनेस पे जाता हूँ, मैं 11:30 से 5 बजे तक चैम्बर में होता हूँ, सही उसके बाद दोबारा अपने बिजनेस पे जाता हूँ। तो वो यस, मेरी फैमिली ने मुझे ज़रूर हेल्प है, सपोर्ट है कि मैं बहुत से अपने फैमिली इवेंट्स पे नहीं जा सही सकता, सही मैं जब घर जाता हूँ तो थक जाता सही हूँ, तो फिर सही वो ज़्यादा मुझे फोर्स नहीं करते कि आप बिल्कुल ये काम करें। यानी कि जब तक फैमिली की सपोर्ट ना हो तब तक आप कोई भी माइलस्टोन अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल तो सो मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है, जरूर और फिर वही बात है कि मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि मेरा चूंकि तवक्कल उसके ऊपर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो और जहाँ आपने ये बात की कि अफसोस, तो मेरी वालदा एक बात कहती हैं कि आप जिससे ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं उससे अफसोस, उसकी बात का अफसोस होता है। बिल्कुल तो ऐसा मैं उम्मीद ही अल्लाह से लगाता हूँ, किसी और से सुभान लगाता ही ये नहीं, बड़ी मुझे खूबसूरत अफसोस भी नहीं बात होता। बड़ी खूबसूरत बात। अच्छा सर थोड़ा सा चैम्बर के बारे में बात कर लेते हैं इस अपने इस वाले हिस्से में। ये चैम्बर की अगर मैं हम बात करें तो बहुत सारी वेरियस स्टैंडिंग कमेटी हैं, और आपने जब आप आए आपने स्टैंडिंग कमेटी को एक्टिव भी किया, आपने टैक्सेशन के सेमिनार भी करवाए वेरियस, और आपका जो बेसिकली एक सिम्बॉलिक जो एक विजन था कि जी आप काम करना चाहते हैं, आइए स्टैंडिंग कमेटी बनाएं और काम शुरू कर दें। इवन हमने देखा रियल स्टेट की भी आपने स्टैंडिंग कमेटी बनाई और उसको बड़ा एक्टिवली आपने करवाया कि कोई भी सेक्टर हो, तो स्टैंडिंग कमेटीज किस तरह पार्ट प्ले करती हैं, और आप यहाँ पे क्योंकि हमारे बहुत सारे बिजनेस के दोस्त देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो आपको अप्रोच नहीं करते। तो एक मसला क्योंकि बीइंग योर लीगल कंसल्टेंट एज वेल हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब तक आपके पास लोग आएंगे नहीं तो लोग मसला हल कैसे करेंगे, तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करें तो आई वुड लाइक। मेरा जी, मैं नॉर्मली इस तरह से वर्किंग मेरा स्टाइल है कि मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ उसी के लिए यहाँ पर नहीं हूँ जो लाहौर चैम्बर का मेंबर है, सही मैं उसके लिए भी यहाँ पर हूँ जो ट्रेड से रिलेटेड है, बिल्कुल सही जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो सही इम्पोर्ट से रिलेटेड है। सही आइदर ही और शी इज़ अ मेंबर ऑफ LCCI और नॉट, बिल्कुल सही चूँकि उसका ताल्लुक ट्रेड बिजनेस इकोनॉमी से है, मेरा ताल्लुक़ उससे है। बिल्कुल और सही आपके प्रोग्राम के तवसत से मेरी तमाम सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है, डू कम टू लाहौर चैम्बर्स। आप बिल्कुल जब सही तक नहीं आएंगे आपके मसले का मुझे नहीं पता चलेगा, जब तक आप अपने मसले को मुझे नहीं बताएंगे तब तक हम उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे। और देखें, और हम, ये हमारी जिम्मेदारी है उस इशू पे आवाज़ उठाना, बिल्कुल सही लेकिन जब तक वो मेरे पास नहीं पहुँचेगा हम नहीं उठाएंगे। तो जो स्टैंडिंग कमेटीज़ का मेन मकसद है वो यही है कि लाहौर चैम्बर इज़ अ ब्रिज बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड द स्टेट। तो हम अपनी मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोगों की स्टैंडिंग कमेटीज़ इसलिए बनाते हैं ताकि उनके जो इश्यूज़ हैं हम उनको सुने, उनके जो सजेशंस और सॉल्यूशंस वो हमें देते हैं वो हम स्टेट तक पहुँचाएँ, सही ग्रीवियंसेस सुने जाएँ, किसी बात पे हम उन्हें समझा दें अगर वो कहीं गलती कर रहे हैं। सही तो जब लोग स्टैंडिंग कमेटीज़ में आते हैं, मेंबर बनते हैं, सबसे पहले तो उन्हें मेंबर बनना चाहिए कि बिल्कुल मैं ऐसे कि क्या करना क्या है, बिल्कुल लाहौर सही चैम्बर से आपको वाकिफ़ होना चाहिए, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको लाहौर चैम्बर का मेंबर होना चाहिए। बिल्कुल सही तो आप आएँ, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, अपने इश्यूज़ को बताएं, और आप मेंबर नहीं भी हैं तो तब भी आएँ, हम आपकी बिल्कुल सही आवाज़ तब भी उठाएंगे। डेफिनेटली योर व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि आप वेलकम हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ एलसीसीआई फैमिली, और मेरा ख्याल है तमाम जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है उसको एलसीसीआई फैमिली का पार्ट बनना बनना चाहिए वन चाहिए। वे और दी अदर। अरे सर यहाँ पे बिफोर वी टेक अ ब्रेक फॉर दिस पार्ट आफ्टर दिस पार्ट मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, थोड़ी सी उसकी बात करेंगे, लाइक एक्सपोर्ट के ऊपर आपने इनिशिएटिव लिया, अभी हमने देखा कि ईरानियन जो बेसिकली काउंसलेट है उनके साथ आपने किया, फिर फ्रेंच कोई भी मुख्तलिफ ममालिक को उनको आपने मोबालाइज किया, तो उसके बारे में अगर आप बात करें और अगर देखा जाए तो अभी टाइम काफ़ी कम गुजरा है, तो एक कहने में बात ये आ रही है कि काशिफ साहब जो हमारे प्रेजेंट साहब हैं ही इज़ नॉट ओनली अप टू द स्पीड बट प्रॉब्ली बियॉन्ड द स्पीड, तो उसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसके हबीब की बहुत करम नवाजी है, उन्हीं की तौफीक अता और मदद से ये सारा कुछ हो रहा है। और देखें, हमारा काम है, माली का काम होता है पानी देना, वाह गोडी करना, वाह सफाई वाह करना, फल लगाना तो वाह उसने वाह है, ये उसकी जिम्मेदारी है। मेरा काम बड़ी है कि खूबसूरत बात मैं अपनी नेक नियति से काम करता जाऊं, फल उसने लगाना, फल तो मेरे जिम्मे है सही ही नहीं, सही
ना फल मैं लगा सकता हूँ ना फल मैं ले सकता हूँ, अगर अगर वो मुझे देना चाहता है तो ये उसकी जरा नवाजी, उसकी करम नवाजी है कि वो मुझे अता करना चाहता है, तो हमें और क्या चाहिए। आप या कोई भी सुनने वाला भी, चलिए आप अपनी नीयत को साफ कर लें, आपको फल लगे ही लगेगा। हम जी अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के बाद हम काशिफ साहब से डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और जो मसाइल हैं उसके बारे में, और ये भी पूछेंगे कि क्या आज जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी खाइफ है सूरत हाल से, क्या सूरत हाल इतनी ख़राब है या हम कुछ अच्छे की उम्मीद मज़ीद इंशाल्लाह लगा सकते हैं।